हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज मैं कल यूनिकॉर्न का लिया था, आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ वाइब्रेशन टेस्ट। जो साइन है होंडा साइन CB125 उसके ऊपर। तो गाइस, ये वाली है ना, ये BS4 है, जैसा कि आप देख सकते हो, HAT BS4 CB125 साइन। तो इसका वाइब्रेशन टेस्ट लेने वाला है। इसका इंजन और यूनिकॉर्न के इंजन में CC में अंतर है। अब वाइब्रेशन में अंतर है या नहीं ये टेस्ट लेने के बाद ही पता चलेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैंने बाउल में वाटर रख लिया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सा स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़ा RPM हाई है, इसलिए ऐसे हाथों से तो पता चल नहीं रहा है। अभी नॉर्मल सा हो जाएगा तो फिर जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा तो है। ये थोड़ा सा है, RPM हाई है इसके वजह से या क्या? देखो पीछे नहीं है, फिर यार कंपेयर टू यूनिकॉर्न इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ये देखिए, और टंकी पे रख के देखते हैं गाइस। सीट पे फील हो रहा है पर टंकी पे फील नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी पानी में वाइब्रेशन नहीं है। ओ सॉरी गाइस, ये तो लोल हो गया। एंड फुट पेग्स पे ये देखो, तो फुट पेग्स पे भी ये वाटर हिल रहा है बट वाइब्रेशन नहीं है। आप और से देखिए, ये गाइस देखिए, और हैंडल बार्स पे भी ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा है ऐसा पता चल रहा है। ये देखिए, इसमें क्लियर पता चलेगा। तो इसमें हैंडल बार पे थोड़ा वो पूरी इंजन जो है वो हो रही है तो पता चल रहा है। एंड इस पर भी, और बाकी कल के तरह इस पर करता हूँ तो इस पर कोई शेक नहीं। तो हल्का सा सीट पे है, टंकी पे नहीं है और हैंडल बार्स पे है। अब थोड़ा रेप्स करते हैं। रेप्स करने पे नहीं आ रहा है गाइस, ये देखिए मैं आपको रेप्स करके दिखाता हूँ। तो रेप्स करने पे नहीं आ रहा है, हो रहा है। अब थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ। तो ये थी गाइज वाइब्रेशन टेस्ट वीडियो ऑन CB साइन BS4 वाले पे, BS6 वाले पे भी करूँगा। और तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, और लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही सारे बाइक्स पे ना करके आपको दिखाऊंगा वाइब्रेशन किस में क्या है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो।